नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूँ आपके साथ मेघना सचदेवा। अफगानिस्तान में तालिबान राज की शुरुआत के साथ लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। जिसे जो जरिया मिला उसने बस अफगानिस्तान छोड़ने की ठान ली। कुछ जान बचाकर भाग पाए, कुछ ने जान गवा दी और कुछ लोग मौत से बदतर जिंदगी जीने के लिए वहीं रह गए। इस बीच सभी देशों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, अफगानिस्तान से उन्हें वापस अपने देश लाया जाए। भारत की तरफ से भी ये मिशन देवी शक्ति के तहत किया जा रहा है और पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि पूरी कोशिश की जाएगी जिंदगियों को बचाने की। सरकार की मंशा साफ है, तालिबानी क्रूरता से भारतीयों की रक्षा। बड़ी संख्या में लोगों की वापसी कराई जा रही है। इस बीच एक 4 महीने का बच्चा, जिसे न ये पता है कि तालिबान क्या है, जिसे न ये जानकारी है कि आखिर अफगानिस्तान से वो कैसे भारत लाया गया, वो बच्चा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस बच्चे को लाने के लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जब 4 महीने से भी कम उम्र के इस बच्चे की जान बचाने की बारी आई तो भारत ने सेकंड भर भी नहीं सोचा और उसे और उसके माता पिता के साथ अफगानिस्तान से निकाल लिया। अफगानिस्तान में बच्चे कोहराम से बेखबर इस मासूम का नाम इखनूर सिंह है। माता पिता ने उसका पासपोर्ट नहीं बनवाया था, लेकिन जब तालिबानी आतंकियों ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो अफगानियों में देश छोड़ने की होड़ मच गई। सभी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर दूसरे देश जाने लगे। इखनूर के पेरेंट्स भी भारतीय अधिकारियों के पास पहुंचे और बताया कि उनकी गोद में जो नन्ही जान है उसका पासपोर्ट वो अब तक नहीं बनवा पाए हैं। भारतीय अधिकारियों ने कागजी कार्रवाई की बिल्कुल फिक्र नहीं की और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का नियम तोड़ते हुए बच्चे के साथ उसके माँ और पिता को भारत भेज दिया। इखनूर के कागज फ्लाइट के दौरान ही तैयार कर दिए गए और जब फ्लाइट हिंडन एयरपोर्ट पर उतरी तो वहां सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गईं। इखनूर की तरह वहां 2 और मासूमों के पासपोर्ट नहीं है, जिन्हें अगली फ्लाइट से भारत लाने की तैयारी की गई। इनमें एक बच्चे का जन्म 11 अगस्त को जबकि दूसरे का मई महीने में ही हुआ है। इखनूर के पेरेंट्स भारत में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रहने गए हैं। आपको बता दें, जब पूरी दुनिया के देशों ने अफगानिस्तान की मदद से इनकार कर दिया है, तब भारत ने ना सिर्फ भारतीयों को बल्कि अफगानी परिवारों को भी वापस लाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़।